बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे एब्जॉर्पेशन की, ठीक है ना। एब्जॉर्पेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की हमने बात की थी। इसमें हमने मिशेल्स का फॉर्म आते ही थोड़ा धुंधला आ रहा है, जिसमें हमने बात की थी मिशेल्स की। हमने बात कर ली थी। एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती दोबारा समझाने में, ठीक है। तो हमने बात की मिशेल क्या हो, मिशेल क्या हो, मिशेल क्या होगा। यहाँ पे एक फैट का मॉलिक्यूल है, क्या है, फैट मॉलिक्यूल है ये, क्या है, एक जब थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं और भी, ये क्या है, एक फैट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई भी, जैसे कि हमने बात की बाइल साल्ट्स की, हमने बात की है, बाइल साल्ट्स क्या होता है, इसमें लेसिथिन वगैरह पाया जाए, लाइपेज एंजाइम पाया जाए, ठीक है ना, लाइपेज एंजाइम पाया जाए, तो इसके मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, इससे जुड़ जाते हैं। अब यदि बात की जाए इसमें जो ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है इन मॉलिक्यूल्स में, ये क्या है, इसका पोलर पार्ट ऑफ, पोलर पार्ट ऑफ बाइल, ठीक है ना, सॉल्ट्स। ये जो नीचे की तरफ पाया जा रहा है ये है नॉन पोलर पार्ट ऑफ बाइल साल्ट्स, बीच में क्या हो जाएगा, फैट मॉलिक्यूल है। तो इस प्रकार से फैट मॉलिक्यूल को क्या कर लिया इन्होंने, घोल दिया है, घोल दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते थे। अब यदि बात की जाए इसके, इसको लिम्फ सिस्टम, जो कि लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारी माइक्रोबलाइज में, लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, इनको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाए। अब यदि इसको एब्जॉर्बेशन को भी और समझाया जाए, एब्जॉर्पेशन को भी और समझाया जाए, तो इसको एब्जॉर्पेशन के लिए थोड़ा सा मैं एक रफली डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं, मैं पूरा का पूरा अभी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। हमने बात की ये क्या थे हमारे ऊपर की तरफ, ये जो मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाले हैं, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मैंने निकाले हैं, ये हो जाएंगे आपके माइक्रोवलाइज। इनको हमने बोला माइक्रोवलाई बोला। यहाँ पे क्या होगा, इसी प्रकार से कोई भी फैट मॉलिक्यूल आएगा जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, बाइल के साथ जुड़ा होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मिशेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। अब इसको इससे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा यहाँ से फैट मॉलिक्यूल को, और फैट मॉलिक्यूल को किस में ब्रेक कर दिया जाएगा, यहाँ पे ट्राई ग्लिसराइड्स में, किस में, ट्राई ग्लिसराइड में कर दिया जाएगा। और इसको यहाँ पे जो एक्सोसाइटोसिस मेथड है, एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, साइटो वर्ड लिया जाता है किसके लिए, सेल के, ठीक है ना, सेल के बाहर की तरफ क्या कर लिया जाएगा, ये जो लेयर है ये हो जाएगी कायलो माइक्रोन, जो कि हमने पहले बात की है, ठीक है। यहाँ से किस में आ जाएगा, लिम्फ जो वेसल्स होती हैं, लिम्फ जो वेसल्स होती हैं इसमें आ जाएगा ये फैट का मॉलिक्यूल। और लिम्फ वेसल किससे जुड़ी हुई होती है, किसका पार्ट होती है, ब्लड का पार्ट होती है। लिम्फ वेसल्स किसका पार्ट होती है, ब्लड का पार्ट होती है। यहाँ पर बना देते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, इसमें ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ब्लड। अब ब्लड से कहाँ चल जाएगा, सेल्स तक चल जाएगा, जहाँ पे भी ये स्टोर किया जाएगा। मोस्टली कहाँ पे किया जाता है, लिवर के अंदर किया जाता है, आपको ये पहले ही बताया था लिवर के फंक्शन में हमने। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं हम लोग, फैट का मॉलिक्यूल्स कोई काम करता है। फिर हमारा टॉपिक आता है एसिमिलेशन का, फिर हमारा पार्ट आता है नेक्स्ट पार्ट, या और इससे पहले भी आते हैं विटामिन्स, ठीक है ना, इससे भी पहले आते हैं हमारे पास विटामिन्स।
कोलोन में हमने बात की, जो कि क्या होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, कोलोन में विटामिन के को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो ईलियम पार्ट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, विटामिन्स आर एब्जॉर्ब बाय ईलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट विटामिन के, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं विटामिन के इज एब्जॉर्ब बाय कोलोन, जो कि क्या है, कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, जो कि क्या है, एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने कर दिया विटामिन। अब यदि बात की जाए विटामिन को किस प्रकार से बांटा जाए, विटामिन हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, है ना। एक होते हैं विटामिन, क्या होते हैं, हम कोई भी सब्सटेंस आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, या तो वो होगा वाटर सॉल्युबल, पानी में घुल जाए, ठीक है ना, या होगा कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि क्या होगी, जिसमें भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा उसके अंदर घुलता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये कह सकते हैं हम लोग फैट सॉल्युबल, क्योंकि फैट का जब भी फॉर्मूला लिखा जाएगा C15 आएगा वहाँ पे, हमेशा स्टार्ट होगा ओलिक एसिड से, तो क्या होगा C15, तो कार्बन आ गया, तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसको हमने बोल दिया फैट सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम लोग विटामिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है, यहाँ पीछे लिख देते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है ना, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है ना। तो विटामिन ए डी ई और के, एडक, इसे एक्चुअल में बोल सकते हैं एडक भी बोल सकते थे, एडक भी बोल सकते थे। एडक क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, बाकी इसमें यहाँ पे दो कंडीशन बच रहे हैं, बी और सी, विटामिन बी और सी, ये क्या होते हैं, हमेशा वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए की यदि बात की जाए, तो ए हमेशा एक चीज़ याद रखना है, सारे के सारे विटामिन है मोस्टली कहाँ से मिलते हैं, कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फिशेस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम बात कर सकते हैं खट्टी चीज़ें, अब खट्टी चीज़ें क्या होंगी, वेजिटेबल्स होती हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स से क्या मिल सकते हैं, विटामिन सारे के सारे मिल सकते हैं, वी और किससे, मिल्क से मिल सकते हैं, मतलब हेल्दी फूड टोटल हम कह सकते हैं हेल्दी फूड, ठीक है ना। हेल्दी फूड से क्या हो सकती है, सारी की सारी जो सफिशियंसी है इन सब की, विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है ना, इनको हम लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं, इनके रिच सोर्स हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, रिच सोर्स। अब मेरा काम था विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए किस चीज़ को रेगुलेट करे, तो मैंने एक याद करने के लिए एक तरीका अपनाया, विटामिन ए, ए फोर होती है आँख हिंदी में, ए फोर होती है आँख, तो विटामिन ए हमेशा क्या चीज़ किसको काम करेगा, विटामिन ए हमेशा काम करेगा आँख पे, आँख में पाया जाता है रेटिना, आँख में पाया जाता है क्या, रेटिना, तो इसीलिए मैंने इसका रेटिना पाया जाएगा किसमें, आँख में, इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया रेटी नॉल। विटामिन ए का नाम क्या हो गया, अब यहाँ पे रेटिनॉल, ठीक है ना। अभी ऑब्वियसली आँख से रिलेटेड है, तो आँख में क्या होगी, रोशनी पाई जाएगी, आई लाइट जिसे हम लोग बोलते हैं, आई लाइट, ठीक है ना, आँख की रोशनी को तेज करने के लिए, आँख की रोशनी को तेज करने के लिए क्या पाया जाएगा, विटामिन ए पाया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा एक
एक डिजीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि रात में देख नहीं सकते, ठीक है ना। अगर ये क्या हो जाएगा, विटामिन ए कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो लाइट आई लाइट की हमने बात की, आँखों की रोशनी की हमने बात की, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब रात में आदमी नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते थे। दूसरा हमारे पास आता है विटामिन डी। विटामिन डी ठीक है ना, फैट सॉल्युबल बता रहा हूँ अभी, भी ये भी बता दूंगा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आता है विटामिन डी। डी मैंने बोला विटामिन डी, डी डी का मतलब आ रहा है, एक साउंड आ रहा है मेरे पास डी, ये हिंदी वाला डी, तो मैंने इसके आगे एक शब्द और लगा दिया है, तो हमारे पास बन के आ गया हड्डी। हड्डी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोन, हड्डी को हम लोग बोलते हैं बोन। तो ये विटामिन डी किससे रिलेट करेगा, हमेशा बोन से रिलेट करेगा। अब बोन, बोन में क्या होगा, बोन में क्या हो जाएगी, बोन वीकनेस हो जाएगी, बोन वीकनेस हो जाएगी, ठीक है ना। इसको ही हम लोग एक डिजीज़ बोलते हैं, रिकेट्स। इसी को ही हम लोग एक डिजीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकेट्स, ठीक है ना। अब हड्डी है, हड्डी का कलर क्या था, वाइट। हड्डी का कलर क्या था, वाइट, ठीक है ना। तो एक किससे रिलेट करेगा, हमेशा कैल्शियम से। कैल्शियम आपको पता है वाइट होता है, और वाइट किस में मिलता है, वाइट प्रोडक्ट में मिलता है, लाइक मिल्क, एग, कर्ड, ठीक है ना, लाइट मिल्क कर्ड एंड एग में, ठीक है ना। अब बोन है, बोन मजबूत कैसे हो, अब बोन मजबूत कैसे हो, बोन वीकनेस हो गई थी, रिकेट्स हो गया था, बोन को मजबूत करना है, तो कैसे किया किया जाए, रनिंग की जाए, रनिंग की जाए, रनिंग कब की जाए, अर्ली मॉर्निंग, रनिंग कब की जाए, अर्ली मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग क्या होती है, सनराइज होता है, सनराइज होगा, तो सनराइज से क्या होगी, सनलाइट हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, सनलाइट हमें मिलेगी। तो इसके क्या हो जाएंगे सोर्स, क्या क्या हो जाएंगे, विटामिन डी के सोर्स हो जाएंगे आपके पास मिल्क, एग, कर्ड, सनलाइट, मिल्क, एग, कर्ड और सनलाइट। फिर बात आए विटामिन ई की, विटामिन ई की, ठीक है ना। इसका एक्चुअल में नाम देना भूल गए थे हम लोग, हमने बात की थी कहाँ गया, कैल्शियम, वाइट क्या था, कैल्शियम था, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने कैल्सीफेरॉल, कैल्सी फेरॉल, ओके, इसीलिए हमने नाम रख दिया इसका कैल्सी फेरॉल। विटामिन ई, ठीक है ना, विटामिन ई हमेशा पाया जाएगा यदि बात की जाए इसको, तो ये एक्चुअल में ज़्यादा मतलब का ऐसे ही नहीं कह सकते या है नहीं है, बाकी ये मोस्टली स्किन होती है ना, स्किन से रिलेट करता है, स्किन से क्या करता है, रिलेट करता है, स्किन में जितने भी क्या आती है, डलनेस आती है, डेड सेल, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, या रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ जिसे हम लोग बोलते हैं, रिंकल्स आते हैं, तो विटामिन ई की कमी से होते हैं। दूसरा कह सकते हैं इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब ह्यूमन में, ह्यूमन की यदि बात की जाए, तो स्पर्म्स और ओवा का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये कंडीशन आके बन जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग टोको, टोको फेरॉल। अब इसको टोको फेरॉल बोल रहे हैं, स्किन के रिंकल, इसकी कमी से क्या हो रहे हैं, स्किन में रिंकल आ रहे हैं, स्किन में क्या आ रहे हैं, रिंकल आ रहे हैं। अब रिंकल आ रहे हैं मतलब झुर्रियाँ आ रही हैं, झुर्रियाँ आ रही है, तो कोई भी सामने वाला व्यक्ति अगर देखेगा आपको, तो क्या करेगा, वो टोकने का काम करेगा, क्या करेगा, वो टोकने का काम करेगा। तो इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया क्या, टोको फेरॉल, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया क्या, टोको फेरॉल, ओके। फिर बात आती है विटामिन के की, विटामिन के की, अभी टोकोफेरॉल की यदि बात की जाए, तो मिलता कहाँ से, वही सारी चीज़ें ऊपर हमने लिख दिया था, जैसे जैसे हेल्दी फूड जो कि हमने बात करते हैं, मिल्क होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, सारी की सारी, ठीक है ना। विटामिन के, विटामिन के मोस्टली काम करता है ब्लीडिंग में, जो भी ब्लड की क्लॉटिंग होती है, क्या होती है,
ब्लड की क्लॉटिंग होती है, तो ब्लड की क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं, इसका नाम होता है, इसको ज़्यादा ट्रिक से भी याद नहीं करता है, नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन बोल देते हैं, फाइलोक्विनोन बोल देते हैं। तो क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग करना है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा विटामिन के। तो ये अभी हमने देखा ए डी ई और के, ए डी ई और के हमने देख लिया है, वाटर सॉल्युबल। फिर बात की जाए, सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन हमने देख लिए हैं, फिर बात की जाए यदि वाटर सॉल्युबल, इसमें था बी और सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन, विटामिन सी। सी ठीक है ना, विटामिन सी हमेशा पाया जाता है जितने भी सोर प्रोडक्ट्स होते हैं, सोर प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब कोई भी खट्टी चीज़ होती है। खट्टा क्या होता है, जैसे कि आंवला, अम्बेलिक, ठीक है ना, अम्बेलिक। और आपको ये पता है सोर किसका करेक्टर होता है, एसिडिटी का, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे पाया जाता है एक एसिड, इसका नाम दे दिया हमने एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है इसका नाम दे दिया, अम्बेलिक। अम्बेलिक के अंदर क्या पाया जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाएगा। अम्बेलिक के साथ लेमन और पाया जाता है, खट्टा लेमन होता है, ऑरेंज भी होता है, ठीक है ना, और बहुत सारी प्रोडक्ट होते हैं। अब लेमन के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कंडीशंस मिल रही हैं, ये कहाँ मिल रही है, वेजिटेबल से मिल रही हैं आपको विटामिन सी। अब इसकी कमी से यदि बात की जाए तो क्या हो जाए, होने लग जाते हैं, जितने भी मसूड़े होते हैं, जम्स होते हैं आपके, जो जॉज होते हैं, इनसे क्या होने लग जाते हैं, ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कर्वी, स्कर्वी डिजीज, ठीक है ना, यहाँ लिख भी देता हूँ, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ठीक है ना, आपके मसूड़ों से कहने लग जाएगा, खून आने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। फिर आती है विटामिन बी की बात, विटामिन बी, विटामिन बी को मैंने लास्ट में इसलिए बोला है क्योंकि बी अकेला नहीं होता है, बी के साथ होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इसमें एक से ज़्यादा पाए जाए, विटामिन में ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें पाई जाएं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं विटामिन बी वन की, विटामिन बी टू की, बी थ्री की, बी फाइव की, बी सिक्स, बी ट्वेल्व, ठीक है ना, इन सब की हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते थे। जैसे विटामिन बी वन का नाम होता है थायमिन, विटामिन बी वन का नाम होता है थायमिन्स, प्रोडक्ट वही होंगे सारे के सारे, हेल्दी फूड रिसोर्स क्या होंगे, हेल्दी फूड जिसमें यीस्ट, लिवर ऑयल, मिल्क, योक, वेजिटेबल्स पाई जाएंगी, ठीक है ना। इससे हो जाएगा बेरी बेरी डिजीज। विटामिन बी टू की बात की जाए यदि, तो इसे हम लोग बोलते हैं राइबो फ्लेविन, राइबो फ्लेविन, ठीक है ना, आपके होंठ फटने लग जाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं कीलोसिस, क्रैकिंग ऑफ, क्रैकिंग इन कॉर्नर्स ऑफ लिप्स, क्रैकिंग माउथ कर देता हूँ वो, और भी अच्छी बात, ठीक है ना। फिर विटामिन बी थ्री की बात आती है, इसे बोलते हैं निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, इससे होती है पेलेग्रा, बहुत ज़्यादा बॉडी में से बॉडी एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट होने लग जाती है। विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, इसमें क्या होगा, पाँव थोड़ा सा ऐसा, पाँव में जलन होगी, बर्निंग फिट, बर्निंग फिट, ठीक है ना। फिर आती है विटामिन बी सिक्स पायरीडॉक्सिन,
डॉक्सिन, इससे क्या होने लगेगी कि स्किन डिजीजेस, ये ज़्यादा काम के भी नहीं है इतने इतनी, इसीलिए ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं ले रहा। विटामिन बी नाइन, फॉलिक एसिड, जिसका काम है एनीमिया, मतलब लैक ऑफ ब्लड, एनीमिया। फॉलिक यूज़ में लेते हैं हम लोग, फेरस यूज़ में लेते हैं हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो विटामिन बी नाइन होता है फॉलिक एसिड का, जिसमें एफ ए पाया जाता है। विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, ठीक है ना, इससे हो जाता है, इससे भी क्या हो जाता है एनीमिया ही, एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ तक पार्ट हो जाता है, यहाँ तक पार्ट क्या हो जाता है आपका आज कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।